लालू यादव को बेल मिलने और जेल से बाहर आने की चर्चाओं के बीच में ये मामला पूरी तरह से अदालती है। न्यायालय में लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में अपने बेल की अपील किए हुए हैं और बार बार समय और तिथियां बदलने के कारण कई तरह के अड़चने आने के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी हो गया है और इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ऐसी बातें सामने आई हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो चारा घोटाला मामले में जेल में बंद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मुश्किलों को बढ़ने की स्थिति आ रही है, जिसमें लगातार उनके जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के तैयार होने के बाद ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास देखा जाएगा और इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के दो आदेशों को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिकाओं पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है। आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद को इससे पहले कई मामलों में बेल दिया गया था। एक मामले जो कि डोरंडा मामला था, उसमें पुनः कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद को सजा हुई है। अब इन सब बातों को देख करके लालू प्रसाद जेल में हैं और स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिम्स और एम्स का चक्कर लगाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू न्यायालय में पेश हुए। सीबीआई की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को नोटिस जारी किया है। लालू को झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार दिए जाने के चलते लालू फिलहाल जेल में है। इसी मामले को लेकर के लालू प्रसाद के वकील ने न्यायालय से गुहार लगाई थी कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उन्हें बेल दे दिया जाए, क्योंकि उससे बेहतर इलाज कराने के लिए स्वतंत्र रहेंगे और स्वास्थ्य लाभ भी ले सकेंगे। लगातार लालू प्रसाद कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमने आपको बताया था एक प्रकरण जो सामने आया था कि रिम्स से जब उन्हें एम्स भेजा गया तो एम्स प्रशासन ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे भी वजह थी, वो हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद किसी खास डॉक्टर से इलाज कराने की जिद कर रहे थे। इन्हीं सब कारणों को हवाला देते हुए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के वकील और उनके परिजनों ने न्यायालय से गुहार लगाया है कि वो अपने हिसाब से लालू प्रसाद का इलाज कराना चाहते हैं और लालू प्रसाद जिस डॉक्टर से संतुष्ट होंगे उससे इलाज करने की उन्हें छूट मिल जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामला को जाने के बाद लालू प्रसाद किस तरह से स्थितियां बदलती हैं या फिर लालू प्रसाद को अभी और जेल में रहना होगा। शुभचिंतक लगातार इस बात के लिए आशान्वित रह रहे हैं। जब जब तारीखों की घोषणा होती है कि सुनवाई होगी, तब तब उनके शुभचिंतक लगातार ये सोचते रहते हैं और आशा करते हैं कि लालू प्रसाद जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन तिथियों के आगे बढ़ जाने के कारण लालू प्रसाद की बेल नहीं हो पा रही है। अब सीबीआई अदालत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद को जमानत देता है या फिर स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।